बड़ी खबर है, रीवा मां दसवीं के छात्र के हत्या के मामले में ही तीन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अपना को बता दें कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की घटना रही, जहां दसवीं के एक छात्र का मोबाइल में स्टेटस लगावे के मामूली से बात में विवाद कले के पांच आरोपी चाकू से गोद डाले रहे, जिसके बाद तीन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि दो आरोपी लगातार फरार हैं, जिनके खातिर पुलिस विभाग की दो टीम लगाई गई है। वहां पुलिस अब साइबर सेल के सहायता से आरोपी के पल पल के लोकेशन ट्रेस कर रही है और दावा कर रही है कि बाकी दो आरोपी का घलाई पकड़ ली जाए। वहीं हत्याकांड के बाद जो उन दसवीं के छात्र की तस्वीर और जो कहानी सामने आई है वह बेहद दुखद ही है। विधि क्षेत्र के पहले न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे से बजे का प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं बड़ी खबर से। जो भी जानकारी रही हो के मुताबिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी 28 साल के अंबुज सोनी और 18 साल के करण का बैकुंठपुर जे रहे वाले रहे, बैकुंठपुर निवासी रहे, उनका साथ एक थे दूसरे आरोपी का घलाय गिरफ्तार कर लिया गया। घटना से जुड़े सोनी परिवार के दो थे और लोग जो हाँ फरार हमा वहाँ उनके संभावित ठिकाने में पुलिस अब लगातार दबिश दे रही है। वहाँ गांव वाले के मुताबिक छात्र के जो पिता रहे, एक साल पहले छात्र के पिता के निधन हो चुका रहा, जबकि बड़ा भाई बाहर रह के ड्राइवरी के काम करत रहा। माँ की देखभाल करे खातिर या दसवीं के छात्र गाँव में अपनी माँ के साथ रह रहा, घर के खर्चा उठावे खातिर बंजर बनावे का काम करत रहा। वहाँ दूसर कई पढ़ाई न बंद हो, पढ़ाई प्रभावित न हो, एक खातिर दोपहर में स्कूल जात रहा। अपने बता दें कि सोमवार के शाम 5 बजे कक्षा दसवीं के छात्र गोविंद विश्वकर्मा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर के बगल में बने खेल के मैदान में जब छात्र बैठा रहा, छात्र अपने मोबाइल में स्टेटस लगावत रहा, तब दुठे बाइक में 5 दोस्त पहुंचे, जे छात्र का स्टेटस का देख के हंसे लगे। यही बात पर लेके छात्र के साथ उनका कहा सुनी हुई है। ऐसे में आरोपी जो दोस्त रहे इकट्ठा में एक राय हो के छात्र के चाकू से गोद के चाकू से कई बार लगातार छात्र के ऊपर वार करें, जिसके बाद छात्र वहीं लहूलुहान पड़ा रहा। भारी पुलिस के मौजूदगी में संजय गांधी अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम करावा गया और पैतृक गांव में शव के अंतिम संस्कार कई दिन का। इस तरह से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के अपचारिन के कारण एक मासूम की जान चली गई। वहीं एक माँ के जीवन से मात्र मोबाइल के स्टेटस लगावे के मामूली बात करे के माँ के जीवन सुना होगा। पति के पहले निधन हो चुका रहा और अब बेटा जो माँ के देखभाल करत रहा वहाँ वे दुनिया में नहीं आए। आजकल जिला में अपराध जो उन्हें बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर यह दुख के बात ही वह कि यह बढ़त अपराध जो उन्हें मासूमन का अपचारी बनाए रहा है। छोट मोट बात करे के लोग जान ले मादा हो जा था, जो पुलिस प्रशासन खातिर एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। तो दे इजाजत अपना और अपने परिवार की रखी ख्याल। प्रणाम।